नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विद्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज देखिए संडे है और संडे का मैं आपको अपने टेरेस गार्डन का अपडेट देने वाली हूँ, क्या चल रहा है मेरा गार्डन में। मैंने सोचा है कि हर संडे मैं आपको अपडेट दूंगी, जो भी अच्छा बुरा चल रहा होगा वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिये ये दो नए डहेलिया निकले हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखिए। और इधर जो खिले हुए थे उनको मैंने कट कर दिया है ताकि इसमें फिर से नए नए निकल सके। अभी तो नहीं निकल रहे हैं लेकिन इसमें काफी निकलने वाले हैं। और इसको भी कट कर दिया है, देखिए धीरे धीरे बड़ा होगा ये। और इधर भी ये दो नए निकले हैं, तो ये वही वाले हैं जो मैंने वो जो हमारे घर के बाहर आया था उससे खरीदे थे। और तो इसमें मैंने दो लगा दिए थे, तो इसमें भी निकलने वाले हैं, तो काफी अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए नींबू को मैंने फर्टिलाइज किया था, तो जो दो बड़े नींबू थे उनको तो मैंने निकाल लिया था, खाने में काम आ गए। और उसके बाद देखिए फ्लावरिंग कितनी ज्यादा होगी इसमें। और मैंने इसमें जो फर्टिलाइजर ऐड किया है उसका भी वीडियो मैंने शेयर किया है, तो उसको आप जरूर देखिए अगर आप नींबू प्लांट में ढेरों नींबू चाहते हैं तो देखिए। और इधर थोड़ा बहुत ट्रिम कर दिया था ताकि न्यू ग्रोथ निकले, जैसे कि ये निकल रही है और देखिए कट करने के बाद भी निकलने लगी है, तो ये है वो। और इसके साथ साथ देखिए ये परमानेंट प्लांट हमारा मोरपंखी। और बचपन में हम इसे किताब में रखा करते थे तो सोचते थे एक से दो हो जाएंगे, आज तक तो हुए नहीं अब पता चला, लेकिन ये जरूर था। हमारे पापा कहते थे इसको रखने से जो विद्या है वो बहुत ज्यादा आती है, तो इसीलिए मैं अभी भी अपनी बुक्स में जो मेरी रखी हुई है पुरानी उनको जरूर रखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है इसको रखने से। और इधर देखिए गुड़हल को मैंने ट्रिम किया था, फर्टिलाइज किया था, तो नई नई पत्तियां निकल रही हैं। हमारे यहाँ ना देखिए कल भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हो जाती है जब तक प्लांट सोचते हैं हम अच्छी तरीके से खिलते हैं तब तक फिर बारिश हो जाती है, तो उस वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ धीमी हो जाती है। नीचे वाले तो बहुत अच्छे चलते रहते हैं क्योंकि उसमें इतनी बारिश नहीं पड़ पाती है, लेकिन ये टेरेस वाले बेचारे मजबूर हैं। और आपको एक और चीज दिखाती हूँ, आप सब कह रहे थे ना पतली गुलाब की नहीं होती है कटिंग, तो ये देखिए कितनी पतली है और देखिए कितने अच्छे से हो रही है, तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हो जाती है मेरे हाथ से। और इधर देखिए डेजी भर गई है अब तो, और भी ज्यादा भरेगी ये। और देखिए गुलाब में न्यू ग्रोथ, ये देखिए, और ये प्यारा प्यारा फूल गुलाब का, इसमें भी देखिए, इसका भी फर्टिलाइजर मैंने आपके साथ शेयर किया था तो उसको भी आप जरूर देखें। तो देखिए निकल रहे हैं ये, तो काफी अच्छे चल रहे हैं मेरे प्लांट। और एक और मैंने अरेंजमेंट किया है, यहाँ धूप नहीं आ रही है तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये दो मैंने ये कुंडे पहले ही रखे हुए थे, तो इसमें मैंने देखिए पाइप रखा था पानी वाला, तो इसके ऊपर मैंने ये बास्केट हैंग कर दी है। जब धूप पड़ती है तो काफी अच्छा लगता है, तो इसमें फ्लॉक्स और पिटोनिया है। और फर्टिलाइजर का आप रिजल्ट देखिए कितनी अच्छी न्यू ग्रोथ निकली है, अगर आपको दिख रही हो ये देखिए नए नए पत्ते निकल रहे हैं, तो बस अब तो फ्लावरिंग का ही मुझे वेट है कब निकलेंगे ये। मेरे हिसाब से 10 दिन और लगेंगे। और एक ये गुलाब का खिला हुआ है, ये पहले रेड था ऑरेंज पता नहीं क्यों निकला है ये। और इसके साथ साथ देखिए मैंने एक बर्ड हाउस लगा दिया है, और उधर की साइड भी एक बर्ड हाउस लगा हुआ है, और इधर ये गुलाब रखे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है। और उधर देखिए संडे है तो काम घर का बहुत हो जाता है, तो कपड़े वगैरह धुले हुए हैं तो वो मैंने टांग दिए हैं। तो बिल्कुल आपको मैं रियल दिखा रही हूँ जो भी है मेरे गार्डन में। और इधर देखिए सीजनल फ्लावरिंग प्लांट का अपडेट, तो देखिए मेरे गेंदे खराब हो गए थे जब मैं घर गई थी तो मैंने सारे निकाल दिए थे, तो अब फिर से अच्छे से चलने लग गए हैं, ये देखिए। और सिर्फ इसमें एक प्लांट ही खराब हो गया है, ये नहीं रिकवर कर पा रहा, कलियां तो है इसमें पर उतने अच्छे से नहीं चल पाएगा। इधर देखिए बटन डेजी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये, और इधर पिटूनिया एलाइसम, और ये तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और उधर देखिए मैंने जेरेनियम वो लगाया हुआ है,
डाइंथस देखिए, और ये गोडेशिया आप खेलेगी ये, और पिटूनिया देखिए कितना प्यारा कलर है इसका, और इधर भी डेजी है, उधर नेस्ट्रेशियम एलाइसम, और उधर देखिए गुड़हल थोड़ा बहुत फ्लावरिंग करने लग गया है, और बोगनविलिया में देखिए थोड़े दिनों में खिलने वाले हैं ये, और इधर देखिए मेरी तुलसी कितने अच्छे से चल रही है, ये देखिए इसको मैं कट करती गई तो ये काफी घनी हो गई है, और सर्दियों में सूख जाती है ये, और इस टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है इसकी, और इधर देखिए कैलेंचो पूरा भर गया है फूलों से, और मैंने जो इसकी कटिंग इस टब में लगाई थी कल हमारे यहाँ कोई आया हुआ था और वो हमारी कटिंग ले गए, मेरा मन बिल्कुल मन नहीं था फिर भी मैंने उनको दे दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं फिर से लगा लूंगी। तो प्लांट देने में मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा हिचक होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए पर पता नहीं क्यों। और इधर देखिए ये गुलाब, ये ब्लैक चेरी है इसका नाम, बिल्कुल डार्क मैरून कलर का खिलता है ये। तो इन प्लांट्स की मैंने देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स की पौध लगाई थी, अभी खिलने लग गए हैं, और इधर देखिए जेरेनियम, और उस दिन आपको अपडेट दिखाया था आम का, तो देखिए उस दिन ये पत्ते फूटे नहीं थे, अब देखिए निकलने लग गए हैं, और इधर ये अमरूद का, इसमें चार पांच अमरूद निकलते हैं, अगर हम नहीं खा सकते तो ये पक्षी वगैरह खा लेते हैं, उनके काम आ जाता है। और इधर ये देखिए ये भी निकलने लग गए हैं, और इधर ये रखे हैं सीडलिंग जो मैंने की थी, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है, 10 दिन के बाद ही निकलेगा जो भी निकलेगा। और इधर देखिए गुलाब की, ये देखिए निकली और इसमें नई नई पत्तियां निकल रही हैं, तो ओवरऑल अच्छे से चल रही है। और एक और ये पॉइंसेटिया का, ये देखिए जब मैं घर गई थी खराब हो गया था, तो इसमें देखिए नई पत्तियां निकलने लग गई, इसको कट कर दिया मैंने ऊपर से, और अच्छे से फर्टिलाइज करके फिर इसे रख दिया है, सिर्फ 1 घंटे की धूप मिलती है क्योंकि पॉइंसेटिया को बहुत तेज धूप नहीं चाहिए। और इधर देखिए मेथी, कल बारिश हुई है तो इसके फूल झुकने लग गए हैं, और ये देखिए इसमें फली निकलने लग गई है। अब मुझे इसमें पानी देना कम कर देना है, अगर मैं बहुत ज्यादा पानी दूंगी तो फ्लावर खिलेंगे और मेथी बन नहीं पाएगी, तो मुझे इसके बीज चाहिए, तो इस वजह से इसको पानी देना मैं बंद कर दूंगी। और इसमें बहुत सारे मक्खियां वगैरह हैं जो ये हमारे गार्डन में पॉलिनेटर का काम करती हैं, तो इससे फल और फ्लावर और बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से चल रहा है मेरा गार्डन, तो एक लुक देख लीजिए, ये देखिए तो दोस्तों ये था आज का गार्डन अपडेट, जो भी था आपके साथ शेयर किया, आई होप आप सबको जरूर पसंद आया होगा, और आपके गार्डन में क्या क्या चल रहा है मुझे भी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय और हैप्पी गार्डनिंग।